व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का हमारा पूरा लेक्चर इन तीन वर्ड के इर्द गिर्द घूमने वाला है। एलपीजी, ये एलपीजी का सिलेंडर नहीं है, यहाँ पर ये एलपीजी रिफॉर्म है। तो क्या होते हैं ये एलपीजी रिफॉर्म, तो डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इसको बोले, एल का मतलब होता है यहाँ पर लिबरलाइजेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, उदारीकरण। सेकेंड जो वर्ड यहाँ पर निकल कर आएगा, इसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण। थर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का, ये होता है भूमंडलीयकरण। और यहाँ पर ये सारे आप लोगों को जब मिला के इनको बोल देते हैं तो ये होते हैं एलपीजी रिफॉर्म। तो टोटल डिटेल में आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी इन एलपीजी रिफॉर्म की, आखिर क्या ऐसी सिचुएशन कंडीशन हमारी कंट्री में बन गई कि हम लोगों को अपनी कंट्री को ओपन करना पड़ा, हम लोगों को प्राइवेटाइज करना पड़ा, ऐसी क्या कंडीशन बन गई। तो यही कंप्लीट हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जिस किसी ने अब तक पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके की थी हमारी इकोनॉमी 1991 से पहले, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आज का जो लेक्चर रहेगा कंप्लीटली हमारा इन तीन वर्ड के ऊपर फोकस करके रहेगा और डिटेल में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो मेहमान फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को पॉलिटी कंप्लीट मिल जाएगी, कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसके अलावा करंट अफेयर और यहाँ पर क्वेश्चंस की वीडियो भी आती है जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होती है। आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कुछ फायदा पहुंचा सकती है। सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम वगैरह और फेसबुक पेज भी आप लोगों को अवेलेबल होगा वहां पर। एक टाइम हुआ करता था ऑल ओवर वर्ल्ड में जीडीपी को सब कुछ माना जाता था कि किसी कंट्री का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वही सब कुछ है, पर लेकिन आज की डेट में आप लोग देखने को मिलेगा कई सारी अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से कि किसी कंट्री की अगर आप लोगों को ग्रोथ नापनी है तो अलग ही इंडिकेटर्स आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर काउंट किया जाता है HDI इंडेक्स, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स आज की डेट में आ चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां पर कई सारी चीजें और भी काउंट की जाती हैं। तो इसी तरीके से यहां पर जो हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे KR नारायण जी, उनके द्वारा ये बात बोली गई थी कि आज की डेट में कई सारे ऐसे इंडिकेटर आ चुके हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं देखना कि हमारा वर्ल्ड किस तरीके से बढ़ रहा है या कंट्री किस तरीके से बढ़ रही है, तो उसके लिए अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। तो इसी तरीके से आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री अपने आप को अगर बोले कि मैं अकेले लेकर आगे चलूंगी, अपने आप से ही कंप्लीटली सफिशिएंट हूं, किसी और के ऊपर मुझे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप में पूर्ण आप लोगों को कंप्लीट नहीं देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ अच्छाई हर एक इंसान में देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो इसी तरीके से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है, आप लोगों को कहीं पर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं पर आप लोगों को नॉर्मल जो आप लोगों को प्राइवेटाइज सेक्टर जैसे आप लोगों को डेवलपमेंट वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर आप लोगों को पानी ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर आप लोगों को रेगिस्तान ज्यादा देखने को मिलेगा। तो नेचुरली भी और आप लोगों को नॉर्मली भी अलग अलग फीचर्स नजर आएंगे अलग अलग कंट्रीज में। तो इसीलिए आज की इकोनॉमी जो है वो एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, यानी कि एक आज की डेट में हम लोग पूरे ग्लोब को एक विलेज की तरीके से देखते हैं, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है किसी न किसी रीजन से। आप लोग देख सकते हैं आज के डेट में हम लोग को पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जरूरत होती है, तो हम लोग मैक्सिमम किस पर डिपेंड है, वेस्ट एशिया पर। वेस्ट एशिया में कौन कौन सी, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, मोस्ट ऐसी इकोनॉमी है जिनसे हम लोग अपना मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, खासकर अपने एनर्जी सेक्टर में। अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग चीजें खरीदते हैं, कहीं से हम आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कहीं से नेचुरल प्रोडक्ट भी आप लोग कई सारे ऐसे खरीदने को मिलेंगे जो कि हमारी कंट्री में आज के डेट में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दरक को भी हम लोग चल रहे हैं। तो इस तरीके से आज की डेट में एक जो वर्ल्ड हो चुका है वो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो चुका है यहाँ पर। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसी फंडे को यहाँ पर समझाया गया है। जो ग्लोबलाइजेशन आप लोगों को नजर आएगा ना, ये यहाँ पर पहले दोनों चीजें हो जाएंगी, लिबरलाइजेशन हो जाएगा, हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा उदार करेंगे। उदार करने का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलेंगे, बाहर के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे। देखिए हुआ क्या है, अगर आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलूं, हमारी जो कंट्री है वो आजाद हुई 1947 में। 1947 में जो हमारी कंट्री आजाद हुई, ये लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया। तो अंग्रेजों के द्वारा जो ये 200 साल तक रूल किया गया, तो आप लोग समझ सकते हैं, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक मार मार कर पीता है। तो यही कुछ कंडीशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। हमारी इकोनॉमी जो 200 साल तक रूल की गई है अंग्रेजों के द्वारा, एक कॉलोनी बनाकर हमारे यहां से नेचुरल प्रोडक्ट निकाल के ले जाया करते थे और फिनिश गुड लाकर हमारी कंट्री में वो बेचा करते थे, हमको एक मार्केट के तरीके से वो यूज कर रहे थे। तो देखिए जब यहां पर हमारी कंट्री को छोड़कर गए, तो हमारी कंट्री की जो हालत थी वो काफी खस्ता थी। तो देखिए इसीलिए गवर्नमेंट ने बड़े ही फूंक फूंक कर कदम रखे। हमारी कंट्री आजाद होने के बाद में और ऑल ओवर वर्ल्ड से जब खत्म
खत्म हो गए हैं यहाँ पर जो ब्रिटिश राज था उस टाइम पर। बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी थी जो नई नई बोर्न कंट्री आप लोग बोल सकते हैं, या फिर जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा एक अलग ही तरीके का ग्रुप निकल कर आया था जिसको बोला जा रहा था नेम नॉन अलाइंग मूवमेंट। तो जो ग्रुप यहां पर निकल के आया था वो यही ग्रुप था। उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को ज्यादा ओपन नहीं किया, अपने हिसाब से काम करते रहे। उन्होंने जितना भी कोशिश किया कि यार अपने अंदर ही इतनी चीजें बनाई जाएं कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी अपने हिसाब से चलती रहे, पर देखिए ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि एक जो वर्ल्ड था वो कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, कम्युनिकेशन का मीडियम आया, मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह, ये सारी चीजें आनी स्टार्ट हो गई। तो एक अलग ही तरीके का पैटर्न स्टार्ट हो गया। आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री में भी जो मोबाइल फोन वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे ये लगभग 2000 में आने स्टार्ट हो गए थे, और फिर आगे चल के बूम बन गया। और आज के डेट में हमारी कंट्री में आप लोग अपने इर्द गिर्द नजर घुमाकर देख सकते हैं हर एक इंसान के पास में 2 या 3 मोबाइल आप लोगों को नॉर्मली नजर आ ही जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये ऐसे ही पॉसिबल हो पाया जब हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, यहाँ पर प्राइवेटाइज किया, प्राइवेट कंपनी आज के डेट में अलग अलग मोबाइल बना रही है। अभी लेटेस्ट हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैमसंग का पावर प्लांट लगाने की बात की गई है। कौन सी कंट्री का है ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। न्यूज वाली वीडियो अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर वाली, वहां पर डिटेल में मैं ये डिस्कस कर रहा हूं सारी चीजें, तो आप लोग साथ साथ में चलते रहिए ताकि कनेक्ट आप लोग कर सके चीजों को, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये ऐसे ही पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि आज की डेट में हम एक ग्लोबलाइज्ड विलेज में रह रहे हैं, एक विलेज के तरीके से देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड को। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों के सामने कंडीशन निकल कर आती है। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बोलूं तो क्या मतलब है इसका, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इंटीग्रेट हो रही है, वर्ल्ड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहा है। किसी के पास में तेल की कमी है तो किसी के पास में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, किसी के पास में ह्यूमन लेबर की कमी है तो किसी के पास में आईटी टेक्नोलॉजी की कमी है, किसी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो किसी के पास में किसी और चीज की कमी है। तो हर एक कंट्री के पास में सारी चीजें नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है पूरे वर्ल्ड को, ताकि अगर जो कमी एक के पास में है वो दूसरे से पूरी कर सके। यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि पहले क्या स्टार्ट हुआ, पहले लिबरलाइजेशन हुआ, मतलब ओपन किया गया इकोनॉमी को, फिर प्राइवेटाइज किया गया, और जब जाकर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो ये पूरा इस तरीके से पैटर्न हमारा रहने वाला है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग दो पैटर्न फॉलो करके चले थे। ये मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम जो सेक्टर है वो देखिए गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, प्राइवेटाइज जो था वो थोड़ा थोड़ा था, पर लेकिन मैक्सिमम जो चीजें थी वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। तो आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मतलब प्राइवेट के साथ मिलकर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ में, एक साइड में गवर्नमेंट है और दूसरे साइड में प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा जनता के फायदे के लिए सोचती है, वो अपना प्रॉफिट नहीं देखती है। पर प्राइवेट सेक्टर आप लोगों को अपोजिट नजर आएगा, वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जनता के बारे में बहुत कम सोचता है, प्रॉफिट से ज्यादा मतलब रहता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर दोनों ही तरीके का एक पैटर्न इस्टेब्लिश हो गया। तो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जो ज्यादा तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हमारी कंट्री में देखिए नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल ज्यादा कर रही थी। तो देखिए जो भी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर था डिसाइड कहीं ना कहीं अगर डिमांड सप्लाई है तो गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा चीजें थी। तो आगे चल के फिर इसको आराम आराम से ओपन किया गया, तो तब क्या हुआ, तो जो कंट्रोल कर रही थी उसको बोला गया कि कंट्रोल करना आप लोग बंद कर दीजिए, चीजों को रेगुलेट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कंट्रोल करने का तो मतलब हो गया कि सारी चीजें आप लोग बताइए क्या बनना है भैया, क्या सप्लाई होना है। रेगुलेट करने का मतलब हो गया कि एक कंपिटेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराइए, प्राइवेट सेक्टर जो आ रहा है उनको रेगुलेट कीजिए, एक कंपनी है दूसरी कंपनी आ रही है तीसरी कंपनी आ रही है, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराइए। अगर अलग अलग कंपनी यहां पर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो अलग अलग उनको देखने को मिलेगा आप लोग कई सारे फायदे। मान लीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी बी और तीसरी है सी, तो तीन कंपनी है, अगर तीनों कंपनी यहां पर आज की डेट में बिस्किट के पैकेट बेच रही है ये, तो आप लोगों को नजर आएगा कि इनमें कंपटीशन रहेगा। तो कंपटीशन यहां पर अपने आप डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस रहना है, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्राइस रहना है। यही मतलब है एक ओपन इकोनॉमी का। कंपटीशन छोड़ दीजिए, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दीजिए। जिस तरीके से आप लोगों को, मान लीजिए कोई भी आप लोग प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, 3-4 दुकान अगर आसपास में है तो आप लोगों को देखिए अलग अलग तरीके से वहां पर देखने को मिलेगा, एक काफी आप लोगों को डिस्काउंट देगा, दूसरा उसकी ओर में और भी ज्यादा देगा। तो इस तरीके से कस्टमर को जो फायदा होगा वो अपने आप ही फायदा हो जाएगा। पर लेकिन ये वहां पर पॉसिबल है जहां पर कई सारी प्राइवेट कंपनी अवेलेबल है, जहां पर कई सारे जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े खड़े हुए हैं वहां पर ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान अपनी दुकान खोल के बैठा है तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर उस एरिया में एक ही दुकान है वो तो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बेचेगा, क्योंकि और ऑप्शन लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए बोला गया कि आप लोग कंट्रोल करना बंद कर दीजिए और रेगुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो इकोनॉमी है यहां पर एक कंपिटेटिव इन्वायरमेंट बन सके और डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर अपने आप ही उस इकोनॉमी में एक तरीके का अच्छा इन्वायरमेंट बने और कस्टमर को फायदा हो सके।
पर लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर ये सारी जो चीजें चल रही थी वो सब चीजें आसानी से चल रही थी, पर फिर भी कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आने लगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हमारी जो इंटरनल इकोनॉमी थी वो इतनी ज्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं थी। कि देखिए हम आज की डेट में बहुत ज्यादा बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, खासकर बात करें क्रूड ऑयल की। मैक्सिमम जो हमारी कंट्री में जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल जिसको आप लोग बोलते हैं, वो हम लोग बाहर से खरीद के लेके आते हैं और उसके लिए हमको जो पेमेंट करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है। तो उसी की वजह से कई सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं था। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते तो तभी हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आती। मैक्सिमम हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो वो हम लोग रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन ओर वगैरह हो गया, ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी कंट्री मैक्सिमम आप लोगों को नजर आएगा कि हमारी कंट्री कभी भी एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री या फिर मैन्युफैक्चर बेस्ड कंट्री बनी ही नहीं। हमेशा हम लोग चीजें इंपोर्ट करते रहे और हम अपनी कंट्री में एंजॉय करते रहे। हम लोगों ने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस दिया ही नहीं कि हमारी कंट्री एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन सके। और कुछ आप लोग बोल सकते हैं कि 200 साल तक जो अंग्रेजों ने रूल किया था उसको सुधारने में देखिए कुछ तो टाइम लगता ही, इतनी आसानी से चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर दिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा छोड़ा नहीं था और जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल सेक्टर था उसकी भी उन्होंने ऐसी तैसी कर दी थी। तो देखिए वो कंप्लीटली अपने हिसाब से फोकस करके चल रहे थे, वो हमको एक कॉलोनी की तरीके से यूज कर रहे थे। बस रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिनिश जो गुड़ थे वो प्रोडक्ट कर यहाँ पर लाकर बेचते थे, बस एक मार्केट बना के उन्होंने रख रखा था। तो इसीलिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम लोग अपनी कंट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो क्रूड ऑयल है, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि हम लोग लगभग 15 दिन का भी चीजें खरीद सके। तो देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने ज्यादा लोग, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आप लोगों को पॉपुलेशन यहाँ पर नजर आ रही है सेकंड आफ्टर चाइना, तो कैसे हम लोग ये सारी चीजें कंट्रोल कर पाते। तो देखिए यहाँ पर जब बात आ गई उधार लेने की, अगर आप लोगों के पास में इमरजेंसी में कोई पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, आप लोग पड़ोसी के पास जाएंगे, किसी दोस्त के पास जाएंगे, किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे कि भैया यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पड़ गई है कुछ पैसा दो। तो यहाँ पर कंट्री का कोई पड़ोसी कोई ज्यादा रिश्तेदार नहीं होता है। यहाँ पर कौन है ये जो इस तरह का काम करते हैं, जो यहाँ पर ये रिश्तेदारी निभाते हैं, ये ऐसा काम कौन करते हैं? तो ये थे वेस्टर्न वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन जिसके द्वारा आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड पर आप लोग बोल सकते हैं राज किया जा रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। और इनमें सबसे टॉप मोस्ट पर कौन है, वो है यूएसए, ठीक है। तो यहां पर यही बातें निकल कर आई कि जब वहां पर गए कि भैया हम लोगों को पैसा दे दीजिए, तो वहां पर उन्होंने यही बात बोली। कौन कौन था यहां पर बात बोलने वाला, इंडिया ने अप्रोच किया यहां पर आईबीआरडी को, ये कौन था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके पास में गए और हम लोगों ने बोला कि भैया पैसा चाहिए, लोन चाहिए। इन्होंने बोला कि पैसा तो देंगे, लोन आप लोगों को दे देंगे, पर लेकिन आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या था, वो काम ये था कि आप लोगों को अपनी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, उसका ढक्कन खोलना पड़ेगा। मतलब ये कि बाहर की कंपनी अगर चाहे तो आपके वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, आप लोगों को उनको वहां पर आने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। तो देखिए एक तो होता है कि आप लोगों के पास में ऑप्शन होता है, अलाउ करना है या नहीं करना है। यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि हम एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके थे कि जहां पर हम लोगों को अलाउ करना ही करना था। अगर अलाउ नहीं करेंगे तो लोन नहीं मिलेगा और लोन नहीं मिलेगा तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स होने वाली थी विद इन 10 to 15 days। तो उस टाइम पर इंडिया को 7 billion का लोन देने की बात की गई, $7 billion अपने जो क्राइसिस थे उनको मैनेज करने के लिए। पर लेकिन उसके बदले हम लोगों को क्या देना पड़ा, हम लोगों को यहाँ पर अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी थी थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ा, उदारीकरण करना पड़ा। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा रखी थी प्राइवेट सेक्टर पर, जो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करके हमारी कंट्री में चला जा रहा था, उसको घटाना पड़ा। यानी कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है प्राइवेट सेक्टर में, उसको बोला गया कि आप लोग इसको कम कीजिए और इसको मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी आपकी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर आता है, जो भी यहाँ पर प्राइवेट पार्ट अपना लेकर प्ले करता है, उस पर छोड़ दीजिए कि क्या यहाँ पर डिमांड रहेगी और क्या सप्लाई रहेगी, क्योंकि मार्केट अपने आप डिसाइड कर लेगी कि कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए। जो लोगों को रिक्वायरमेंट होगी प्राइवेट कंपनी अपने आप बनाकर देगी और कंपटीशन रहेगा, क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाने वाली 3-4 कंपनी रहेंगी या फिर ज्यादा रहेंगी। तो क्या रहेगा, उससे जो प्राइस है वो गवर्नमेंट को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप विद दी हेल्प ऑफ कंपटीशन अपने आप वो रेगुलेट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कोई था नहीं, तो इसलिए यहां पर एक्सेप्ट किया गया जो भी यहां पर इनकी वो कंडीशन थी। और तभी हम हमारी कंट्री में आए जिनको बोलते हैं हम लोग यहां पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये नई पॉलिसी निकल कर आई एनईपी, जिसके बेस पर कई सारे रिफॉर्म हमारी कंट्री में किए गए। तो जो यहां पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसको मोटा मोटा तौर पर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो करते हैं जो शॉर्ट टर्म मेजर्स यहां पर लिए गए और दूसरा करते हैं जो लॉन्ग टर्म मेजर्स यहां पर लिए गए।
शॉर्ट टर्म मेजर्स में आप लोग यहां पर नजर आएगा सबसे बड़ा क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस होने वाला था, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस था सबसे पहले इसको रोका गया, उसके बाद में इन्फ्लेशन जो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, तो महंगाई को हम लोग कंट्रोल करने की बात थी। देखिए जो नॉर्मल जनता है वो ज्यादा चीजों को ज्यादा लंबे समय से नहीं झेल पाएगी, अगर महंगाई जैसे चल रही है ऐसे चलती रही तो वो देखिए जनता के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। एक तरीके से कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सामान बेचने वाला है उसको भी फायदा हो और जो खरीदने वाला है उसको भी फायदा हो, ठीक है। अगर बेचने वाले को फायदा ना हो और खरीदने वाले को बस फायदा हो, बहुत सस्ता हो जाए तो भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि बेचने वाला बनाएगा क्यों, और अगर बेचने वाले को बहुत ज्यादा फायदा हो और खरीदने वाले को फायदा ना हो, बहुत ज्यादा नुकसान हो, तो एक खरीदेगा क्यों, तो तब भी बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसकी जरूरत पड़ी। दूसरा क्या था, दूसरी साइड में आप लोगों को जब भी बताया कि इंटरनेशनल लेवल का एक कंपटीशन एक एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी, मतलब ओपन किया जाए इकोनॉमी को, जो रिजिडिटी थी उसको हटाया जाए और इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जाए। तो इन दो चीजों पर फोकस दिया गया, शॉर्ट टर्म में तो यहां पर कंट्रोल किया गया इन्फ्लेशन वगैरह और बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और लॉन्ग टर्म में यहां पर किया गया किस तरीके से हम लोग रिजिडिटी हटा सकते हैं और अपनी कंट्री का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग। और आने वाले टाइम पर आप लोगों को डिटेल में लेक्चर मिलने वाला है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या होता है करंट और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, दोनों को किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि जितना आप लोग पीछे की चीजें रिवाइज करते हुए चलेंगे उतना ही अच्छे से आप लोग कनेक्टिविटी बना पाएंगे। तो इसलिए साथ साथ में आप लोग रिविजन जरूर कंटिन्यू रखें, बाकी ये लेक्चर में डिटेल में आप लोगों को लूंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। अभी बस आप लोग मोटा मोटा याद रख सकते हैं यहाँ पर कि ये डील करता है गुड सर्विस और एसेट्स के साथ में, सिटीजन एक कंट्री के नेशन और दूसरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन जो हमारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है उसका एक पार्ट बोल सकते हैं उस कॉन्सेप्ट का, आप लोग इसको डिटेल में वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतना मोटा मोटा बस याद में रख सकते हैं दिमाग में ताकि लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर सकें। तो तब हमारी कंट्री में निकल कर आई वैरायटी ऑफ पॉलिसीज, तो वैरायटी ऑफ पॉलिसीज में ये थी जिनको हम लोगों ने बोला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा कि जो स्टार्टिंग के आप लोगों को दो हैं ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यही तीसरा इससे निकल कर आते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन इन दोनों से निकल के आता है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो ये है कंप्लीट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। यहाँ क्या होता है लिबरलाइजेशन उदारीकरण, और दूसरा हो गया प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, तब तीसरे नंबर का निकल कर आता है जिसे बोलते हैं भूमंडलीकरण। तो ये है एलपीजी रिफॉर्म जिसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर घूमने वाला है। तो ये था हमारा एक यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। देखिए आप लोगों के लिए बेस बनाना पहले जरूरी था कि यहाँ कहाँ से चीजें स्टार्ट हुई, आखिर ऐसी कंडीशन क्यों बनी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आप लोगों का होगा डिटेल में डिस्कस करूंगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये थोड़ा लंबा बढ़ने वाला है और अगर एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करता तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और फिर आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि सर ये क्या हो गया, इतना बड़ा लेक्चर मत बनाया करो। तो थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा उसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चले, क्योंकि यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो कि आप लोगों को नेक्स्ट डे मिलने वाला है डिटेल में यहां पर आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा एक एक पॉइंट को पकड़ के, ताकि आप लोगों के माइंड में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन न रहे कि किस किस सेक्टर को हम लोगों ने किस किस तरीके से आगे लेकर चले, कैसे हम लोगों ने अपनी कंट्री को अपनी कंट्री की इकोनॉमी को खोला, किस तरीके से आज की डेट में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और सबसे शानदार तरीके से जो आज के डेट में करंट जो यहां पर कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन के, उस पर भी फोकस डालूंगा, मतलब करंट का एंगल भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। यूएसए आज के डेट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है, तो एक पूरा शानदार तरीके का नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चीजों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। और अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।